साधा प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पीकर चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय बेहद ज्वलंत है, वह विषय जिसने पूरे देश को आंदोलित किया हुआ है, बहस का एक वातावरण बना हुआ है। घटना तकरीबन 100 साल पुरानी है, लेकिन उसकी सत्यता को लेकर, उसकी परतों को लेकर चर्चा का सिलसिला एक बार फिर चल निकला है। हम बात कर रहे हैं वीर विनायक दामोदर सावरकर के सरकार में। वीर सावरकर के तौर पर जिन्हें हम प्रातः स्मरणीय मानते हैं, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनके साहस, उनके पराक्रम की गाथा सुनकर बड़ा हुआ है और उनको अपना प्रेरणा पुरुष पाता है। वहीं कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो सावरकर के साहस पर प्रश्न उठाते हैं, उनकी देशभक्ति को संदेह की निगाह से देखते हैं, उनके कृत्यों में उन्हें कहीं ना कहीं अपने फैसले से पलटने की साजिश भी दिखाई देती है। इसलिए आज हमारा जो विषय है वो विषय है सियासत की कसौटी पर सावरकर। देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। मंगलवार को सावरकर पर लिखी एक किताब के विमोचन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के कहने पर वीर सावरकर ने अंग्रेजी शासन को दया याचिका दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक दलों के बीच एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। विपक्ष के नेताओं ने जहां केंद्रीय मंत्री पर इतिहास को दोबारा लिखने का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा और शिवसेना जैसे दलों ने राजनाथ के बयान को सही ठहराया। इस बीच सावरकर के पोते ने यहां तक कह दिया कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता नहीं थे। हालांकि राजनाथ सिंह ने विमोचन कार्यक्रम में यह भी कहा कि राष्ट्रनायकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में वाद प्रतिवाद हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा के चश्मे से देखकर वीर सावरकर के योगदान की उपेक्षा करना और उन्हें अपमानित करना माफ करने लायक और न्यायसंगत नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर वीर सावरकर के व्यक्तित्व और कृतित्व ऐसा है क्या कि हर 2-5 साल बाद वीर सावरकर को लेकर कोई ना कोई बहस, कोई ना कोई विवाद सामने आ जाता है। वीर सावरकर क्रांतिकारियों के प्रेरणा पुरुष रहे, उनके साहस की पराकाष्ठा थी। एक समुद्र में चल रहे जहाज से कूदकर पूरे समुद्र को बेड़ियों में बंधे होते हुए भी फांदने का और उसे नाप देने का करिश्मा उन्होंने कर दिखाया था। ऐसे शख्स थे जिनको एक लेखक के तौर पर, एक संगठक के तौर पर, एक क्रांतिकारी के तौर पर, एक उच्च कोटि के वक्ता के तौर पर कितने रूपों में वर्णित करें, उनके संदर्भ में पन्ने कम पड़ जाते हैं उनके व्यक्तित्व के इन पहलुओं को साझा करते हुए। लेकिन उनके संदर्भ में विवाद दरअसल इस बात को लेकर होता है कि जब उन्हें 2 बार के आजन्म कारावास की सजा दी गई और अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटने के लिए जब वह रहे, तो उस दौरान उन्होंने अंग्रेज सरकार को दया याचिकाएं लिखी। ये 6 याचिकाएं उनके द्वारा जो लिखी गई उसी को लेकर सवाल उठते हैं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के द्वारा ये सवाल उठाए जाते हैं। ये विवाद सबसे ज्यादा गर्माया तब था जब मणिशंकर अय्यर, जो उस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने सेलुलर जेल और पोर्ट ब्लेयर की यात्रा के दौरान सावरकर पर तमाम टिप्पणी भी की थी और उनकी पट्टिका को भी हटा दिया था। तब से जो विवाद का सिलसिला चल निकला है वो लगातार जारी है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश की आजादी में इतना बड़ा योगदान देने वाले वीर सावरकर के संदर्भ में विवाद पीछा क्यों नहीं छोड़ते। जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विनायक दामोदर सावरकर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, उन सावरकर को संघ से संबद्ध क्यों बताया जाता है और संघ सावरकर को लेकर इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों हो जाता है। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या सावरकर की महानता को प्रमाणित करने के लिए गांधी जी के सर्टिफिकेट की जरूरत अब इस सरकार को भी महसूस होने लगी, जिसके चलते रक्षा मंत्री सावरकर के कदम सही थे इसको साबित करने के लिए महात्मा गांधी की सहमति का हवाला दे रहे हैं और उस सहमति पर ही सारे विवाद खड़े हो रहे हैं। एक गंभीर किस्म का विमर्श करने की कोशिश करेंगे इस प्रातः स्मरणीय वक्तत्व के संदर्भ में। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। वो विचार सूत्र उन तमाम पहलुओं को एक बार में जवाब देने में सक्षम है जो समय समय पर उठते रहते हैं। हमारा विचार सूत्र एक कहता है कि नो मैन एवर बिकम ग्रेट और गुड एक्सेप्ट थ्रू मैनी एंड ग्रेट मिस्टेक्स, अर्थात कोई भी व्यक्ति अनेक और बड़ी गलतियां किए बिना कभी महान नहीं हुआ। ग्लेस्टन के द्वारा जो ये बात कही गई है वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसके संदर्भ में बड़ी सटीक बैठती है। तो सावरकर महान थे यह साबित करने के लिए क्या यह जरूरी है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही किया इस रूप में हम व्यक्त करें, या ये माने कि समय समय पर कुछ गलतियां होते हुए भी उन्होंने जो असाधारण काम किए
वह अपने आप में उन्हें महान व्यक्तित्व की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। इस विचार के साथ, इस विश्वास के साथ हम उनको स्मरण करें, इसी आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय जी, हमारे साथ हैं निशांत वर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक है और भाजपा के प्रति अतिरिक्त मोहब्बत से भरे रहते हैं। हमारे साथ जितिन तिवारी जी हैं, संघ विचारक हैं और साथ ही सही बात, सटीक बात शालीन लहजे से कहने के लिए ख्यात देश के जाने माने पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी भी हमारे साथ हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें लेकिन उससे पहले सावरकर जी से जुड़ोगी जो तमाम बयान इस दौरान साझा हुए हैं उसे एक बार सुनते हैं और उसके आलोक में चर्चा की शुरुआत वेद प्रताप वैदिक जी से करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि तमाम नेता कह क्या रहे हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सावरकर को लेकर एक वक्तव्य दिया था, उससे सुनिए क्या कहा था अटल जी ने सावरकर जी के लिए। माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तलमड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व, कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए तो कवि को शिकायत नहीं होगी, उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था, सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन। महात्मा गांधी उस समय कहां थे? वर्धा में, और ये कहां थे? सेलुलर जेल में। इनका संपर्क कैसे हो सकता है? जेल में रह के ही उन्होंने दया याचिका मांगी, और एक बार नहीं आधा दर्जन बार उन्होंने मांगे। और एक बात है सावरकर ने कि माफी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेजों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे। और 1925 में जेल से बाहर आने के बाद दो राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। तो कुल मिलाकर सावरकर के संदर्भ में दो विचारधाराएं स्पष्ट तौर पर विभाजित दिख रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, संघ के संस्कारों में पले बड़े अटल बिहारी वाजपेयी, सावरकर के संदर्भ में कौन सी ऐसी उपमा है जो उनकी जीवा से निकली नहीं, इस तरीके से उन्होंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को व्यक्त किया। दूसरी तरफ माननीय भूपेश बघेल जी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो बता रहे हैं कि सावरकर जी ने किया क्या, फूट डालो राज करोगे अंग्रेजों की नीति के संदर्भ में ही सारे काम को आगे बढ़ाया। इसके आलोक में मैं वेद प्रताप वैदिक जी आपके पास आना चाहता हूं, यह पूरा विवाद शुरू किस किताब से हुआ है? देश के सूचना आयुक्त हैं उदय माहुरकर, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका शीर्षक दिया है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। कमाल का शीर्षक है, एक शख्स जो विभाजन रोक सकता था इस देश का। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब देश का विभाजन हुआ तब तो सावरकर थे, सक्रिय थे, सामाजिक रूप से सक्रिय थे, राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भूमिका निभा रहे थे और 1937 में खुद ही दो राष्ट्र के आधार पर विभाजन की बात कह रहे थे। तो आपसे समझना चाहता हूं कि नए दौर में सावरकर को लेकर जो कुछ भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, आप जैसा सुधी पत्रकार क्या देख पा रहा है? देश भ्रमित हो रहा है, कहां जाएं, कहां रुकें, किसको सत्य माने, किसको असत्य माने?
जी वैदिक जी, आपने शायद म्यूट का बटन दबा दिया। वैदिक जी, मेरा आग्रह है कि आप अनम्यूट कर दें उसे। वैदिक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं चिंतामणि मालवीय जी के पास मैं रुक करता हूं और चिंतामणि जी से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और चिंतामणि जी से समझने की कोशिश करता हूं कि सावरकर जी के संदर्भ में माननीय राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के केवल नेता नहीं है, देश के रक्षा मंत्री हैं। और उन्होंने बताया है कि सावरकर ने चिट्ठी मर्सी पिटीशन इसलिए लिखी क्योंकि गांधी जी ने उन्हें कहा था। थोड़ा रोशनी देंगे कि इतिहास में तथ्यों के प्रति कोई आग्रह आप लोगों का रही नहीं गया? कभी आप हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को विजय बताने का पाठ्यक्रम लिख देना चाहते हैं और अब सावरकर जी के द्वारा 1911 से लेकर 1921 तक के दौरान जो 6 चिट्ठियां लिखी गई मर्सी पिटीशन, उनको अब महात्मा गांधी के कहने पर किया गया कार्य बताना चाहते हैं। थोड़ा बताएंगे चिंतामणि जी, क्या ऐसा हो गया आपको उन चिट्ठियों के संदर्भ में कि लगा गांधी जी को साथ में जोड़ देंगे तो वो काम जायज मान लिया जाएगा? देखिए, उन्होंने किन संदर्भों पे किस तथ्य के आधार पर कहा ये सब उसका मुझे ज्ञात नहीं है और इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने किस कौन सी किताब का संदर्भ लिया, क्या उनके पास प्रमाण है नहीं है, या लेखक ने ऐसा कुछ लिखा और उन्होंने री इंटरप्रेट किया, तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, गांधी जो वीर सावरकर जी बहुत ही बौद्धिक और तार्किक व्यक्ति थे। मैं केवल एक मिनट का आपका इससे थोड़ा सा हटकर के समझ लूं कि जब सुभाष चंद्र बोस वीर सावरकर से मिलने गए तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा है इसे तोड़ दूं और स्वतंत्रता का संकनात करूं और पूरे देश में अंग्रेजों की मूर्तियां तोड़ दी जाए। वीर सावरकर ने उनसे कहा, मैं सुभाष बोल रहा हूं, ये किताब का उद्धरण है, और उसमें वीर सावरकर ने उनसे कहा कि आप अगर मूर्ति तोड़ दोगी तो ऐसे समय में जबकि द्वितीय विश्व युद्ध होने को है और आप अगर यहां बंद कर देगी सरकार आपको तो आपकी भूमिका नगण्य हो जाएगी और इसलिए आप जाइए। और राज बिहारी बोस जो हिंदू महासभा के हमारे व्यक्ति भी है, उन्होंने सेना बनाई है, आप उस सेना का नेतृत्व कीजिए। तो अगर सुभाष चंद्र बोस भी इतना सब कुछ कर पाए तो वीर सावरकर की प्रेरणा से कर पाए। मेरे यहाँ लाइट चली गई है और इसलिए मैं शायद, पर कोई बात नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। तो कुल करके वहां अंडमान जेल में बंद रहना और ऐसे क्रांति के समय में अपनी भूमिका का न करना ये उचित है कि वहां मतलब उन्होंने बिल्कुल जो देश हित का निर्णय था, स्वयं का हित अहित नहीं देखा, मान सम्मान नहीं देखा, देश को देखा कि यदि मैं बाहर रहूंगा तो देश के लिए काम करूंगा। या सेल्युलर जेल में, मैं उस सेल्युलर जेल में भी गया हूं, उस सेल में भी गया जिसमें वीर सावरकर थे और वहां से फांसी लगने वाले उस फंदे को भी हमने देखा कि कैसे फांसी वहां लगती थी और सावरकर देखते थे। तो 11 साल सावरकर उस कोठरी में रहे, तो वहां रह करके कांग्रेस की क्या ये मंशा है कि सावरकर को वहीं सड़ जाना चाहिए था? एक ऐसा महान कवि, ऐसा महान दार्शनिक, ऐसा महान नेता, ऐसा महान लेखक केवल अपने नाखूनों से दीवारों पर लिखता रहता, क्या ये कांग्रेस की मानसिकता है? क्या ये कांग्रेस की मानसिकता है? लेकिन कांग्रेस की मानसिकता तो एक समय पर यह थी कि इंदिरा गांधी ने उन पर डाक टिकट जारी किया, पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का नाम अगर वीर सावरकर पर रखा गया तो वो भी कांग्रेस सरकार की देन थी। कांग्रेस सरकार ने ही उनके नाम पर अमर जवान ज्योति जलाई हुई थी। तो कांग्रेस ने वीर सावरकर के संदर्भ में कोई दुराग्रह रखा? इसके उदाहरण जो सत्ता के शीर्ष पर थे उनके स्तर पर तो दिखा नहीं। अचानक ऐसा क्या हो गया जिसमें वीर सावरकर के संदर्भ में इतने विवादों के साथ आप रहना चाहते हैं? और मूलभूत प्रश्न को आपने सिरे से गायब कर दिया चिंतामणि जी। राजनाथ सिंह जी ने क्यों बोला, कैसे बोला, किस आधार पर बोला, इसका मुझे पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जिनका नाम है, वो अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहे गए बयान को 24 घंटे बाद भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों कहा गया। बड़ा अचंभा हो रहा है। देखिए, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि वीर सावरकर के कहे गए या उनके संदर्भ में कहे गए किसी भी कथन को विवादित क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल उनको जो है शुरू से ही, मैं ये कहना चाहता हूं, उनसे भय लगता है, उनसे डर लगता है जी। और उन्होंने जो आप देखिए कि क्या जरूरत थी उनको तख्ती तोड़ने की जी, मणिशंकर अय्यर को
और तमाम जितने कांग्रेस के नेता, खुद राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं जो बदल जाऊंगा, और बात बात पे बदलते हैं, बात बात पे उनकी झूठ सामने आती है। तो कुल करके कोई गांधी के सिवा या कोई जो है नेहरू के सिवा किसी ने आजादी नहीं दिलाई, ये हमारे योद्धाओं को, हमारे वॉरियर्स को भुला देना चाहते हैं। और चूंकि वीर सावरकर का व्यक्तित्व इतना मुखर है कि वो बार बार सामने आता है, इसलिए हमारे विपक्षी दलों को और हमारे निशांत वर्मा जी जैसे लोगों का भी बोले नहीं है, निशांत वर्मा जी भी बोले कि मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो ऐसे लोगों को आपको ज्यादा प्रतीक्षा कराता नहीं हूं मैं, निशांत वर्मा जी के पास ही रुक करता हूं। निशांत जी आपसे समझना चाहता हूं, वीर सावरकर वो शख्स जिसने इस देश के आजादी के संदर्भ में करार दिए जा रहे विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर मान्यता दिलाई, वो शख्स जिसकी बहादुरी से प्रेरित होकर न जाके कितने ही नौजवानों ने क्रांति का मार्ग अख्तियार किया, वह शख्स जिसने अपनी बात खड़े तरीके से कहने में कभी गुरेज नहीं किया, उस शख्स के द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में महात्मा गांधी के समर्थन का सहारा लेने की नौबत क्यों आन पड़ी, एक सवाल तो निशान जी मेरा आपसे ये है। और दूसरा समझना ये चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी और संघ सावरकर के इस समर्थन में खड़ा हुआ है, तब से कांग्रेस अपने आप को सावरकर के खिलाफ खड़े रखने के लिए इतनी बेचैन क्यों रहती है? क्या इंदिरा गांधी को नहीं पता था कि सावरकर कौन थे जब उन पर वो डाक टिकट जारी कर रही थी? क्या उस समय कांग्रेस को नहीं पता था जब पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का नाम सावरकर के नाम पर रखा जा रहा था? क्या सावरकर की तमाम मूर्तियां जो देश के में अलग अलग चौराहों पर स्थापित हुई उनके नाम पर संस्थान रखे गए जिनमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज राजनीतिज्ञों ने शिरकत की थी, उस समय नहीं पता था कि सावरकर का मतलब क्या है? आज अचानक राहुल गांधी समेत तमाम लोग सावरकर को लेकर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके क्या साबित करना चाहते हैं? गुरेज केवल इसलिए हो गया कि संघ और भाजपा ने सावरकर को प्रातः स्मरणीय मान ली? देखिए बहुत अच्छे सवाल है आपके, लेकिन इन सवालों में जो अंधेरा है वो तभी छटेगा जब चिंतामणि मालिया जी क्या बत्ती आएगी, लाइट आएगी और ये कोयला संकट खत्म होगा। देखिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, मैं छोटा सा एक इस डिबेट को बहुत छोटा नहीं बना दूंगा कि डाक टिकट क्यों जारी किया, हमें पूरे व्यक्तित्व को समझने की आवश्यकता है, उसके लिए मुझे एक आध मिनट। विनायक दामोदर सावरकर इस देश के वो व्यक्ति रहे जिनका आदर सम्मान तब तक होता रहा जब तक 1911 में पहली बार उन्होंने माफीनामा अंग्रेजों को नहीं लिखा। उससे पहले हर वो व्यक्ति जो अंग्रेजों के सामने लड़ता रहा और उसके बाद भी जो लड़ता रहा उसका सम्मान हुआ है और होता रहेगा। लेकिन अगर मैं इन्हें भगत सिंह से कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा भगत सिंह देशभक्त थे, इनके लिए लाइन अपने आप चुन लीजिए, क्योंकि माफीनामा और छोटा बना देते हैं लोग ये कह करके कि देश की सेवा के लिए और देश के भविष्य के लिए उन्होंने माफी निकल करके बाहर निकलने की बात करी। अगर उन्होंने ये किया होता तो पहली चीज तो ये निकल के आती है, चलिए 1947 तक तो वो चुप रहे क्योंकि अंग्रेजों को लिखा हुआ उनका माफीनामा साफ था कि हम अंग्रेज के सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी मृत्यु 1963 में हुई। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि 17-18 साल आजादी के बाद क्यों विनायक दामोदर सावरकर ने एक काम नहीं किया, और अगर किया हो तो चिंतामणि मालवीय जी बाद में समझाते। दूसरी बात ये निकल करके आती है, कितना झूठ फैलाया जाता है, कहीं लिखा जाता है टेक्स्ट बुक्स के अंदर किताबों में, कहीं लिख दिया जाता है ईसा मसीह के बारे में बुरा, कहीं लिख दिया जाता है, आज ही मैं पढ़ रहा था गुजरात की 12वीं कक्षा की एक किताब में प्रश्न पूछा गया कि भाई महात्मा गांधी ने आत्महत्या क्यों करी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पहली बात तो ये समझ लें कि आपके गलत छापे हुए इंफॉर्मेशन इस देश का असली इतिहास नहीं बदलेगा। बहुत से आरएसएस और बीजेपी वाले चिल्लाते फिरते हैं कि ये कम्युनिस्ट का लिखा हुआ और कांग्रेसियों का लिखा हुआ इतिहास था, तो मैं पूछना चाहूंगा कि 1925 से लेकर के 1947 तक क्या आपके पास पढ़े लिखे लोग नहीं थे जो इतिहास अपना लिख सकते थे? अगर लिख सकते थे तो एक ही किताब का है। दूसरी बड़ी बात ये निकल के आती है, भारतीय जनता पार्टी, और आपने पूछा था ये डॉक्टर साहब, इसलिए मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार खड़ी हो जाती है सावरकर को 2-4 साल में लेकर के, और फिर एक डायलॉग बन जाता है, बातें होने लगती है। मैं याद दिला दूं 2015 MG वैद्य, माधव जी वैद्य जो पहले प्रवक्ता थे, प्रचार प्रवक्ता आरएसएस के, याद करें कि जब 15 नवंबर की तारीख होती है जिसे हिंदू महासभा, क्योंकि
वीर सावरकर जिन्हें हम कहते हैं वो हिंदू महासभा के स्थापक थे और उसमें थे। 15 नवंबर मान लीजिएगा गोडसे की तारीख है, वो गोडसे की हैंगिंग डेट है 15 नवंबर, जिसको बलिदान दिवस माना जाता है। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि अगर महात्मा गांधी की मदद से, पहली बात तो अगर कोई वीर सावरकर बाहर निकल के आए तो उन्हीं महासभा के, हिंदू महासभा के गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। 15 नवंबर की तारीख जो गोडसे की, हिंदू महासभा वाले गोडसे की फांसी की तारीख है, जब 1949 में यह फांसी हुई, उसके बाद आरएसएस उस हिंदू महासभा से कट गई। एमजी वैद्य साहब का जब वो जीवित थे, 2015 में उनका खुद का स्टेटमेंट है और उन्होंने साफ बोला था कि मैं तो गोडसे को, यानी कि हिंदू महासभा वाले गोडसे को हिंदुत्व का दुश्मन मानता हूं, हिंदुत्व को शर्मनाक करने वाला आदमी मानता हूं। तो उस समय सावरकर साहब क्या कर रहे थे अपने, इतने अगर वो महान थे तो। तीसरी बात ये निकल के आती है कि माफीनामे के बारे में झूठ कहा जाता है, और राजनाथ सिंह भले रक्षा मंत्री लेकिन उन्होंने झूठ कहा 1911 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे और 1910 में ये पकड़े गए थे सावरकर, क्योंकि नासिक कलेक्टर एटीएम जेम्स का मर्डर हुआ था और उसमें ये और इनके भाई, ये दोनों लंदन से पकड़ के लाए गए थे और इनको सजा, समझ लीजिए दोस्तों, इनको सजा हुई थी एक क्रिमिनल एक्ट में, उसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, आईपीसी के तहत, जो आज भी लागू है इस देश में। उन्हें अंडमान सेलुलर जेल कालापानी इसलिए नहीं भेजा गया था कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, वो राजनीतिक प्रिजनर नहीं थे, गांधी जी से लेके जवाहरलाल से लेके सब राजनीतिक प्रिजनर रहे, किसी को कालापानी नहीं भेजा। इन्होंने जो गुनाह किया था उस गुनाह, क्रिमिनल ऑफेंस के बदले इनको वहां पे सजा मिली थी, लेकिन कोई सवाल ही नहीं उठता कि 1920 तक महात्मा गांधी के ये टच में इस तरीके से आए हो। 1920 में इनके छोटे भाई नारायण ने, नारायण राव सावरकर ने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा और ये साफ हो चुका है, उन्होंने पत्र लिखा और पूछा क्या करूं, एज एन एडवोकेट उन्होंने जवाब दिया कि तुम खाली अपनी बात मत करो, विनायक को बोलो सबके बारे में लिखे कि सबको छोड़ा जाए जी। और तब जाकर के 2 महीने के बाद, निर्वस्तारी के लिए 2 महीने के बाद वीडी सावरकर ने अपनी मर्सी पिटीशन तब डाली। अब इसमें राजनाथ सिंह जी का ये कहना कि महात्मा गांधी जी के कहने पे डाली, पहली बात तो ये गलत। दूसरी बात, आपने पूरा अगर क्लिप देखा हो तो राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि मर्सी पिटीशन डाली, माफीनामा डाला, यही भी गलत है। अरे ये गलत नहीं है, ये सही है, एक नहीं कई सारे डाले। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो कि खुद हिंदू महासभा से दूर हो चुके थे, वो ये बात बार बार क्यों लाते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी पॉइंट इस ओपनिंग कमेंट के अंदर, 1937 तक, और इसके लिए दिलीप देवघर की आप किताब पढ़ सकते हैं, उन्होंने साफ कहा कि 1937 तक ये महाराष्ट्र में बहुत आम बात थी कि एक ही व्यक्ति, नेता या फॉलोअर जो है वो आरएसएस में भी हो और हिंदू महासभा में भी, और इस वजह से वो कंफ्यूजन था, तब तक था 1951 तक, मुखर्जी ने फाउंड नहीं किया बीजेपी की पहले वाली पार्टी, और तब जाकर के उसमें एक लगाम लगाई गई, और अंत में जब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ जब टूटा जनता जनसंघ से, तब जाकर के हिंदू महासभा को फाइनली इन्होंने बाहर निकाला। लेकिन जो आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य सुनाया वो भी वही चीज है कि किस तरीके से हिंदुत्ववादी वोट लेने हैं, और आज भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदुत्ववादी बात को करके, क्योंकि इनके अपने लीडर तो है नहीं, ना कोई हेडगेवार की बात करेंगे, ना गोलवालकर की, ना रंजू भैया की, ना केशवचंद की, ना मोहन भागवत की, ये बात करेंगे तो उसकी जो इनका भी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इनको पता है कि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र तक जो इनको वोट चाहिए वो उस हिंदुत्ववादी भाषा से ही आएगा, हिंदुत्ववादी भाषा से ही मिल सकता है, और वैसा नेता सावरकर के अतिरिक्त कोई है नहीं, इसलिए भाजपा साथ में खड़ी होती है, निशान जी का कहना है। मैं एक बार फिर वेद प्रताप वैदिक जी के पास रुख करता हूं। वैदिक जी, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। सवाल यह है कि वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर नहीं, ये देश उन्हें वीर सावरकर के नाम से स्मरण करता है। अचानक बताना चाहते हैं कि वीर सावरकर काहे के वीर, वो तो माफी लिखा करते थे, पर इतिहास के पन्नों में तो लिखा है कि जिन छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता शूरता के हम लोग इतने कायल रहे, वह भी राजनीति की कुशलता के तहत औरंगजेब के दरबार में अपनी हाजिरी देकर आए थे, एक कुशलता थी उनके संदर्भ में। तो वीर सावरकर के द्वारा अगर उनके समर्थन में लोग ये तर्क देते हैं कि एक रणनीति थी, एक कुशलता थी,
तो इसके संदर्भ में इतने सवाल क्यों? एक सवाल तो मेरा आपसे ये है, और दूसरा समझना चाहता हूं कि जिन वीर सावरकर को लेकर अभी इतने घृणात्मक लहजे से बात कर ली जाती है, वो व्यक्ति अंग्रेजों को माफीनामे लिखने के बाद तकरीबन 40 साल तक जिंदा रहा और सम्मान का पात्र रहा। अगर वाकई उनका किया हुआ इतना दोषपूर्ण था तो देश उनको इस कदर स्तुत्य क्यों मानता था? आप उस दौर में रहे हैं इसलिए शायद दृष्टि आपके माध्यम से नई पीढ़ी को साझा हो पाएगी, तो इसलिए आपसे अपेक्षा है कि थोड़ा सावरकर के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में आज जो बातें हो रही हैं उन पर आपकी तरफ से कुछ दृष्टि पड़े ताकि अंधेरा कुछ छटे। हिमांशु जी, आपने जो प्रश्न उठाए हैं वो बड़े बुनियादी हैं जी। और सबसे पहले मैं चाहता हूं जी, याचिका दी हो ऐसा नहीं है जी, याचिका तो उन्होंने, वो 1910 में गिरफ्तार हुए थे जी, उसके बाद 5-6 बार दी जी, लेकिन 1920 में जैसा कि अभी निशान जी ने कहा जी, नारायण राव जो उनके भाई थे जी और वकील थे, उन्होंने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी जी, गांधी जी की वो चिट्ठी पढ़ने लायक है जी, उन्होंने सावरकर को लगभग निर्दोष बताया है जी, उन्होंने ये कहा है कि सावरकर जैसे व्यक्ति का उस हत्या में कोई सीधा हाथ नहीं था जी, सावरकर ने कोई उस तरह का अपराध नहीं किया है कि उनको 10 साल की जेल या 20 साल की जेल, उनको तो 50 साल की जेल हुई थी, इतनी लंबी जेल दी जाए जी, और सैकड़ों अपराधियों को अंडमान निकोबार से पोर्ट ब्लेयर से छोड़ा गया है जी, तो सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा जाए जी। उसके बाद महात्मा गांधी कितने बड़े आदमी थे, आप जरा ये सोचिए कि उन्होंने कोई 5-6 महीना बाद, करीब शायद मई में, 1920 मई में जी, यंग इंडिया में एक बड़ा लेख लिखा सावरकर ब्रदर्स, उसमें उन्होंने सावरकर की बड़ी वकालत की है जी, कि सावरकर की बड़ी तारीफ की है जी, और सावरकर से उनकी मुलाकात पहले भी हुई है, कहां, जहां श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस बनाया था जी, गांधी जी वहां गए, करीब 2 बार मुलाकात हुई जी, और उस मुलाकात में भी अप्रीता हुई दोनों के बीच, लेकिन गांधी का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने यंग इंडिया में सावरकर के पक्ष में लिखा जी, और उसके बाद जब रत्नागिरी में सावरकर नजरबंद थे तो गांधी उनसे मिलने उनके घर गए जी, तो मेरा निवेदन ये है, कांग्रेसियों से भी कहता हूँ और भाजपाइयों से भी कहता हूँ कि गांधी और सावरकर की तुलना न करें जी, सावरकर परम बौद्धिक थे जी, और गांधी जी परम, मैं समझता हूँ कि वो जीवंत रूप थे जी, वो कोरे विचारक नहीं थे जी, वो विलक्षण व्यक्ति थे, उनके जैसा व्यक्ति मेरी जानकारी में संसार में कोई और नहीं हुआ कि जिससे तुलना कर सके जी, कोई महात्मा या भगवान नाम के कई लोग हुए हैं, पैगंबर वगैरह हुए हैं जी, लेकिन महापुरुष के नाम कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी तुलना गांधी से की जा सके जी, इसलिए सावरकर और गांधी की तुलना नहीं करना चाहिए जी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिन यातनाओं को सावरकर ने और उनके भाई ने अंडमान निकोबार में भुगता है, जरा एक तो उसको देखें और ये देखें कि 1857 का स्वातंत्र समर जी, जो पुस्तक, 1906 में गए सावरकर वहाँ जी, और सावरकर श्यामजी कृष्ण वर्मा के भगत थे जी, और श्यामजी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद के भगत थे जी, तो सावरकर बड़े तर्कशील व्यक्ति थे जी, गांधी तर्कशील नहीं थे, गांधी व्यवहारिक थे, और गांधी ने जब खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो सावरकर ने उसका विरोध किया जी, और मैं समझता हूँ सावरकर ने बिल्कुल ठीक किया जी, देश में जो अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई है जी, वो मुस्लिम लीग के जन्म के साथ नहीं हुई जी, वो इस खिलाफत आंदोलन के साथ हुई जी, और खिलाफत आंदोलन में ही असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, और कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने पास नहीं किया था प्रस्ताव जी, तो दो नेशन बने भारत के,
टुकड़े हो भारत के, इसकी शुरुआत खिलाफत आंदोलन ने ही डाली जी, क्योंकि शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाइयों ने अफगानिस्तान के किंग अमानुल्लाह को आमंत्रित किया था कि तुम आओ और भारत में चढ़ाई कर दो। बेचारे अमानुल्लाह कहाँ से चढ़ाई करते, बच्चाए सक्का उनके महल में घुस गया, उसी से वो वहां से भाग खड़े हुए और भाग के रोम चले गए। लेकिन इनका दिमाग फिरा हुआ था लोगों का कि ये तुर्की के खलीफा को बचाने में लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे इसलिए गांधी जी ने सोचा कि अंग्रेजों की मुखालफत करने वालों का समर्थन करें, यानी जो दुश्मन का दुश्मन हो उसको दोस्त बना ले तो शायद आंदोलन तेज हो। तो गांधी जी के सोच की ये खूबी थी जी। लेकिन सावरकर ने क्या अनुभव किया, जिस सावरकर ने स्वातंत्र समर लिखा, इतना शानदार ग्रंथ है वो जी। मैंने तो आज से 50 साल बल्कि 55 साल 56 साल पहले पढ़ा था उसको जी। उसमें आप देखें कि उन्होंने, मैं तो इंदौर का रहने वाला हूँ, हमारे इंदौर के एक मुसलमान नेता का इतना जम के उसकी तारीफ की है कि पढ़ने लायक है, पढ़ के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वहां पर उनके साथ इंडिया हाउस में श्यामजी कृष्ण वर्मा के बनाए हुए मकान में कई लोग रहते थे जो बाद में जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने, और आसफ अली उनके साथ रहते थे। आसफ अली ने इतनी प्रशंसा की है सावरकर की कि जिसके कहने क्या है। सावरकर असल बात इतने प्रखर बौद्धिक थे कि उनको मुसलमान तो क्या पचाएंगे, हिंदू भी नहीं पचा सकते, आरएसएस भी नहीं पचा सकती है। आरएसएस और हिंदू महासभा का किस तरह दंगल होता था ये मैंने 60 साल पहले अपनी आंखों से देखा है, कैसे भिड़ते थे। आजकल कांग्रेसी और भाजपा ही जैसे भिड़ते हैं, उससे ज्यादा हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग भिड़ते थे। क्यों? क्योंकि सावरकर तर्कशील व्यक्ति थे। सावरकर कहते थे कि भाई जब तुमको मांस ही खाना है तो गोमांस भी खाओ, सुअर के और गाय के मांस में अंतर क्यों करते हो? तुम गाय को माता कहते हो, गाय जब गोबर हकती है तो आप कहते हो गाय की पूंछ में देवता है, तो बोले सारे देवताओं के मुंह पे गाय रोज गोबर कर देती है। सावरकर ब्राह्मण थे परिवार के, लेकिन ब्राह्मणों के पाखंड के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो वेदों की अपौरुषेयता को भी नहीं मानते थे, वो ये मानते तर्कसंगत आदमी थे वो। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद उनको वो सृष्टिकर्ता ईश्वर में ही विश्वास नहीं करते थे, तो इस तरह के बौद्धिक थे। ऐसे परम बौद्धिक को क्या कांग्रेस पचा सकती है, क्या आरएसएस पचा सकती है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी पचा सकती है? बहुत मुश्किल है। उन्होंने लंदन में रहते हुए मेजिनी पर अपने ग्रंथ लिखे थे जी। उन्होंने गिरिबाल्डी पर अपनी रचनाएं की थी, और आप देखिए कितने ग्रंथों के वो रचनाकार थे। ऐसे सावरकर को ये कहना कि वो माफी मांग रहे थे, उनके पांचों जो पिटिशन्स उन्होंने लिखी अंग्रेज को, अंग्रेज के नाम, जरा उनको पढ़ के देखिए। वो अकेले सावरकर ने अपने छुड़ाने की बात नहीं की थी, पांच लोग थे बंगाली, मेरे ख्याल से उनमें से तीन बंगाली थे और एक शायद कोई यूपी का आदमी था, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन पांचों की संयुक्त पिटिशन जाती थी, और उस पिटिशन के बारे में जो वहां के गवर्नर जनरल ने, कलकत्ते से गवर्नर जनरल ने किसको भेजा, एक रेजिनाल्ड क्रेडोक नाम के साहब को अंग्रेज को भेजा वहां पर जांच करने के लिए। उसने भी सावरकर से बातचीत की और लोगों से भी बातचीत की, और उसने लिखा कि सावरकर बड़ा धूर्त है, उसकी बात पे भरोसा मत करना। उसने पिटिशन में लिखा है कि मैं छूटने के बाद बिल्कुल शांतिपूर्वक रहूंगा, और जैसा गांधी जी 1914 के पहले लिखते थे बोईरवार के जमाने में अंग्रेजों के प्रति बड़ा भक्तिभाव प्रकट करते थे, वैसे ही भक्तिभाव सावरकर ने ही प्रकट किया अपनी पिटिशन्स में। तो उसने, क्रेडॉक ने लिखा कि इसमें बिल्कुल भरोसा मत करना, ये जर्मनी से हथियार मंगा रहा है, और छूटने के बाद ये उन सारे जो क्रांतिकारी हैं जिनको वो अंग्रेज विरोधी कहते थे, हिंसात्मक लोग कहते थे, उन सबसे सहयोग करेगा और सरकार को उठाने की कोशिश करेगा। और सावरकर जब यहाँ आए, जब छूट के रत्नागिरी आए, तो गांधी क्यों गए उनके पास? इसीलिए कि गांधी को ये लगता था कि सावरकर कोई बड़ा दमदार आदमी है। लेकिन लोग मुझसे कई बार पूछते रहे, मैं खुद अंडमान निकोबार गया और पोर्ट ब्लेयर में मैं सावरकर जी के उस, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में मैंने भी जेल काटी है और कई बार मैं जेल गया हूँ, तो मुझे तो जेल में देखने का बड़ा शौक है। तो मैं तो वो जेल का वो देखने गया, सावरकर जिस कोठड़ी के अंदर बंद थे,
जी। वो दीवार भी मैंने देखी कि जिसपे नाखून से और कील से कुरेद कुरेद के वो कविताएं लिखते थे। सावरकर की प्रतिभा अद्भुत थी, लेकिन मुझसे जब लोग पूछते हैं कि सावरकर की जगह आप होते तो क्या करते हैं, तो भाई मैं तो आपसे कहता हूं कि मैं ऐसी पिटीशन कभी नहीं लिखता। मैं मर जाता वहां पर, वो मुझे लटका देते फांसी पर, मैं कभी पिटीशन नहीं लिखता। मुझे डीपी मिश्रा जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के दादा ने, पूज्य, मैं तो उनके बड़ा बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने मुझे 3 साल के लिए जेल में डाल दिया 1965 में जी। और मेरे साथ 8 लड़के थे, उसमें से कुछ केंद्र में मिनिस्टर बने और कुछ मध्य प्रदेश में मिनिस्टर बने जी। और जो दोनों मिनिस्टर मैंने बनवाए के हाँ, उन सबने माफी मांग ली जी। और जब हमारे महापौर इंदौर के लक्ष्मी शंकर शुक्ला मेरे पास वो लेके आए कागज, तो मैंने फाड़ के फेंक दिया जी। मैंने लक्ष्मी शंकर जी को कहा कि पापा जी मैं 30 साल जेल में रहूंगा, लेकिन मैं इसमें दस्तखत नहीं करूंगा जी। और दद्दा को बोल दीजिए, पंडित जी को बोल दीजिए, मिश्रा जी को, 30 साल बाद छूट के आऊंगा, इंदौर की छावनी की इसी जेल में उनसे घट्टा पिसवाऊंगा मैं जी। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं माफीनामा नहीं लिखूंगा। तो मेरा कहना यह है कि मैं चाहे जो होता, चाहे सड़ सड़ के मर जाता अंडमान निकोबार में, लेकिन मैं कोई याचिका उन 5 लोगों ने कही वैसी लिखता नहीं। और एक बात और कह के अपनी बात पूरी करता हूँ कि सावरकर ने सिर्फ अपने लिए याचिका नहीं दी थी जी। वो याचिका 500-700 लोगों के लिए लिखी थी कि सारे लोगों को आप छोड़ रहे हैं, और लोगों को भी छोड़िए और हमको भी छोड़िए भाई जी। तो वो याचिका उस तरह की देना उस समय की एक प्रथा थी, रिवाज था जी। तो सावरकर ने कोई अपने छूटने के लिए ही किया हो, ऐसा नहीं है। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अब पुरानी को उठा के उसको तोड़ मरोड़ के पेश करके और किसी नेता को, किसी बड़े व्यक्ति को रनडाउन करने के बजाय, ऐसे तो गांधी जी की पत्नी निकाल सकता है, गलतियां निकाल सकता है। मेरा निवेदन यह है कि इनको महापुरुषों की श्रेणी में हमको रखना चाहिए और उनके जो अच्छे काम है हम ध्यान दें, जिससे नौजवानों को प्रेरणा मिले, उनके अच्छे कामों पर ध्यान दें। सीधे तौर पर वेद प्रताप वैदिक जी का ये कहना है। मैं वापस जितेंद्र तिवारी जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप महात्मा गांधी को इस संदर्भ में, आपसे विचारधारा से जुड़े हुए लोग कोसते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह फांसी पर नहीं चढ़ते, अगर गांधी जी ने अपील कर दी होती, गांधी जी ने अगर वायसराय से बात की होती तो भगत सिंह की फांसी टल सकती थी। अब तो प्रमाणिक सत्य आपके पास है, आपके माननीय रक्षा मंत्री मंच से बता रहे हैं कि सावरकर को छोड़ने के संदर्भ में सलाह ही नहीं दी थी महात्मा गांधी ने, अपनी तरफ से प्रयास भी किया था। तो कुल मिला के गांधी जी अब आपके क्षम्य हो गए कि नहीं हो गए कि उन्होंने क्रांतिकारियों के संदर्भ में मदद नहीं की, गांधी जी के संदर्भ में जो इतने दोष आप लोग बताते थे। सावरकर पर तो हमारी चर्चा चली रही है, पर गांधी जी अब आपके आरोपों से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए, थोड़े जानने में दिलचस्पी। जितेंद्र जी थोड़ा रोशनी देंगे इस पर? मेरी आवाज आ रही है? जी जितेंद्र जी बिल्कुल आ रही है। लंबे समय तक मैंने सबकी बात सुनी है जी, और बहुत अच्छा है कि एक को दूसरा कोई बीच में नहीं बोलता है, सबकी बात सुनी। खासकर माननीय वेद प्रताप वैदिक जी के साथ एक मंच साझा करना मेरे लिए गौरव की बात है। उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट की है जी, और उसी में से एक चीज और आप स्पष्ट समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से महात्मा गांधी को प्रातः स्मरणीय मानता है, और इसलिए बाकी सारे आंदोलनकारी और राजनेताओं को जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में कोई भी भूमिका रखी है, उन सबको प्रातः स्मरणीय मानता है, उनका नाम लेता है, आदर के साथ लेता है, प्रतिदिन याद करता है। उसमें से गांधी जी को अलग करके, कभी पटेल को अलग करके, कभी सुभाष को अलग करके, कभी सावरकर को गाली देकर, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चरित्र नहीं है। स्वयं डॉक्टर हेडगेवार ने जब भी एक समय में कांग्रेस में रहे, 1925 में स्थापना से पूर्व वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता हुआ करते थे, नागपुर अधिवेशन में उनके जब में व्यवस्था भी हुआ करती थी। लेकिन हम देखते हैं चाहे वो नरम दल हो, गरम दल हो, तिलक हो, गोखले हो, कोई रहे हो उस समय में, सब अगर आप कभी एकात्मता स्रोत जब आपने कुछ चीजें आप कही है, आपने तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें आपने देखी भी होंगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
इस देश को स्वतंत्रता के लिए किसी भी प्रकार की आहुति देने वालों का प्रातः स्मरण करता है, अभिनंदन करता है। कांग्रेस की तरह तिरस्कार और सत्कार ये नहीं करता। एक बात, इसलिए हमने गांधी को माफ कर दिया, ये सवाल आज उठता ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। गांधी हमेशा से हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है, राष्ट्रपिता है, और अगर उनका उदाहरण देकर राजनाथ सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं तो वो ये भी बताना चाहते हैं कि इतिहास का सत्य क्या है। और वो माननीय वैदिक जी ने बताया है, यंग इंडिया में है और कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ बहुत स्पष्ट तौर पर, जिनको भी ऐसा लगता है कि ये कहीं से नहीं लिया गया है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खंड 19 पृष्ठ 348। ये नोट कर लें, जो लोग सुन रहे हैं जाकर देख लें, ये कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं प्रकाशित किया, भारत सरकार का प्रकाशन है। उसमें ये पत्र भी है और सावरकर का जो यंग इंडिया का लिखा में लिखा हुआ लेख है वो भी है, जो जिसमें सावरकर की प्रशंसा उन्होंने की है। सवाल उठता है कि 1980 में इंदिरा गांधी स्वयं वीर सावरकर को एक भारत का महान सपूत बताते हुए और आयोजन समिति को पत्र लिखती है, डाक टिकट जारी करती है। क्या हुआ कि 1980 के बाद, यानी 80 में तो वो सावरकर देश के महान सपूत थे लेकिन इंदिरा गांधी जी के पौत्र आते आते वो कहते हैं मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, तो या तो वो अपनी दादी से पूछ लें कि उन्होंने जिसको महान बताया था, दादी तो अब है नहीं, दादी चली गई स्वर्ग, वहां जाके पूछना पड़ेगा, यहाँ किससे पूछे। तो वो महामूर्खता वाली बात जो वो मंच पे करते हैं संघ को गाली देते देते, उनसे पूछिए कि उनके पिताजी तो 1991 में महान हो गए लेकिन 1990 तक डॉक्टर अंबेडकर भी महान नहीं थे, उनको भारत रत्न लेने की याद नहीं आई। 1991 तक पटेल भी महान नहीं थे, उनका भी कोई योगदान नहीं था। 1971 में इंदिरा गांधी भारत रत्न हो गई, 1991 में आके पटेल याद आए। सवाल ये है कि इस देश में जितने भी राजनीतिक आंदोलनकारी हुए हैं कांग्रेस के इस परिवार ने सबको बेइज्जत करने का काम किया, सिर्फ सावरकर को नहीं। अंबेडकर को क्यों भूल गए आप, पटेल को क्यों भूल गए आप? सावरकर तो चलिए आपने हिंदुत्ववादी सिद्ध कर दिए थे उनको, तो आपने गाली देने का काम उस संघ को, संघ आपने महात्मा गांधी की, मैं कभी कभी मुझे नाराजगी होती है कि आप हर बार कहते हैं कि गांधी की हत्या गोडसे ने की, अरे उसकी फाइल में जाइए, अभी भी भ्रम बना हुआ है। ढेरों ऐसी रिसर्च बता रही हैं कि 3 गोलियां चली थी, 2 गोलियों को पता नहीं, तीसरी गोली जिससे हत्या हुई उसका चलाने वाला आज तक पता नहीं चला, कहां से रिवाल्वर आई, क्या हुआ। चलिए हम मान लेते हैं किसी गोडसे ने, हिंदू महासभाई ने उसकी गांधी जी की हत्या की होगी। तुरंत अगले दिन पांचवें दिन में मैंने काम किया है, साफ लिखा था गांधी जी की हाथ दैव करके बड़ा सा चित्र छाप के हमने अगले ही दिन लिखा था कि ये राष्ट्र को घात किया है जी। फिर भी आप 1948 से लेके और आज तक कहते हैं संघ को उसका दोषी ठहराते। तो ये जो कांग्रेस का कल्चर है, इसने तय किया है कि महात्मा गांधी जो असली गांधी हैं उनका नाम बेच के अपने नकली जितने गांधी हैं वो सभी राष्ट्रभक्तों को अपमानित करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जितने भी मैं बीच में रोकने के लिए विनम्रता पूर्वक माफी चाहता हूँ आपसे और कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आपने तर्क के साथ बात करनी चाहिए। इस पर भी आपको संशय है कि गांधी जी की हत्या वाकई गोडसे ने की कि नहीं की? इसमें भी आपको लगता है कि 3 गोली चली, 4 गोली चली, इस प्रकार के हैं? लेकिन उस समय देश के गृह मंत्री कौन थे? माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके रहते हुए गांधी जी पे गोली चली, उन्होंने जांच कराई, उनके निर्देशन पे जांच हुई, नाथूराम गोडसे दोषी करार दिया गया। आपसे जानना चाहता हूं संदेह किस पर है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल पे, एक सवाल। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न मिल गया, वल्लभ भाई पटेल के लिए 90 तक का इंतजार हुआ, पहले भारत रत्न इस प्रकार की राजनीति की दुकान नहीं थी, जो जिंदा थे उनके संदर्भ में भारत रत्न देने का सिलसिला था। महात्मा गांधी को आज तक भारत रत्न नहीं मिला,
जिनके संदर्भ में वेद प्रताप वैदिक जी यहां कह रहे हैं कि मानवता के इतिहास में इतना बड़ा महापुरुष दूसरा कोई मिलता नहीं है, उसको लेकर कितनी पीड़ा आपके पास है? 5 साल आप अटल जी की सरकार में रह लिए, 7 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, महात्मा गांधी के संदर्भ में आप लोगों का सम्मान आप तो स्वयं बता रहे हैं प्रातस्मरणीय है, क्यों नहीं दिला दिए? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल है सावरकर की महानता के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की थी अपनी सरकार में सावरकर को भारत रत्न देने के संदर्भ में, स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति आपके अनुसार नहीं था, अब तो सब कुछ आपके अनुसार है। सावरकर के संदर्भ में मंच से इतने भाषण है, वो भारत रत्न की कोशिश पिछले 7 साल से क्यों नहीं हुई? ये एक सवाल जहन में कौंधता है। क्या वो सवाल जितेंद्र तिवारी जी के भी जहन में कौंधता है? 3 सवालों के संदर्भ में माननीय तिवारी जी आपसे उत्तर की अपेक्षा है। एक सवाल का जवाब स्पष्ट तौर पे देना चाहता हूँ। वैसे तो माननीय वैदिक जी बैठे हैं, वे उनके जवाब देते तो बेहतर होता, मैं उनका एक शिष्य हूँ फिर भी जवाब दूंगा। देखिए, मैंने सवाल खड़ा किया, सवाल ये खड़ा किया कि जिस समय पर गांधी जी की हत्या हुई उस समय पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, जांच पर भी सवाल हुए, लेकिन ठीक है, जांचों में बहुत सारे तथ्य आए। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, सरदार पटेल ने ही वो सब जांचें कराई, उसके बाद वो दोषी ठहराए गए, उनको मान लिया गया, उन्होंने भी वक्तव्य दिया है कि मैंने गांधी वध क्यों किया, पूरी पुस्तक है जी। वो उनको मारने, मैं एक दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करिए। वे गांधी जी का वध करने के लिए ही मंदिर तक आए थे और उनको मारना ही चाहते थे, उन्होंने गोली भी चलाई, पर वहां संदेह बहुत बार ये प्रकट किया गया कि गोली एक और भी चली है, यानी उस साजिश में कुछ और लोग भी शामिल थे, और मैं कहूं कि उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, वो भी करना चाहते थे उसमें। तो मैं जितेंद्र जी आपसे यही तो सवाल कर रहा हूं कि आप मानते हैं कि उस सत्य को सामने न लाने में दोषी सरदार पटेल थे, गृह मंत्री थे? आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग गांधी को मार देना चाहते थे, एक गोली और चली थी, ऐसे संदेह हैं, सामने नहीं आया। गृह मंत्री कौन था देश का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या जितेंद्र तिवारी संघ विचारधारा में दीक्षित शख्स ये कहना चाहता है इस कार्यक्रम में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से नहीं किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र को देश के बीच सामने सही रूप में लाने की कोशिश नहीं की, इसी रूप में समझे? या केवल कांग्रेस में संदेह का आपका सवाल मात्र से हम संतुष्ट हो जाए? मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं जी, बिल्कुल। आप अपना निष्कर्ष मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं? आप मेरा अपना निष्कर्ष मत निकालिए। गृह मंत्री जांच कराता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जांच समय से सब चीजें निकल। आज तक नेताजी सुभाष चंद्र के लिए की 10 जांचें हो चुकी, नहीं निकले तो कहें कि भारत की, हम कहें कि कोई भी सरकार नहीं चाहती है उनका सच सामने आए, क्योंकि आज तक नहीं आ पाया है। कई बार होता है कि उस दिन विमान नहीं उड़ा। आज आपने दूसरा जो प्रश्न किया उसमें से नेताजी सुभाष जी निकल के आते हैं, उनको भारत रत्न देने की कोशिश की गई थी। अगर आपके सारी जानकारी में हो तो ध्यान होगा कि भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र को मिले, इसकी पूरी तैयारी हुई, नाम तक की घोषणा हुई, लेकिन विरोध किया गया कि आज तक उनका पता नहीं चला है। तो उसी क्रम में वीर सावरकर जी हैं। दुर्भाग्य ये है कि भारत की सरकार ने, जिस समय अटल जी की सरकार थी उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देने का प्रयास किया गया। आप जानते हैं कि एक केंद्रीय मंत्री जाके सेलुलर जेल में से नाम पट्टिका उखाड़ता है जी। इतना शर्मनाक काम होता है इस देश में कि सावरकर की नाम पट्टिका उखाड़ दें, और जब अगर उनका संसद भवन में चित्र लग रहा हो तो पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाए जी। और केवल एक चंद्रशेखर ही उसमें से ऐसे थे जो शामिल हुए थे, बाकी सारा कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां गायब हो गई थी। तो ऐसे में ये जो भारत रत्न को लेकर राजनीति की गई थी, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसी भी रत्न से ऊपर है, वे भारत रत्न है और सबके दिलों में उनका जितना बड़ा स्तर है, अब जितने लोगों को मिल गया है उतने के बाद अगर हम भारत रत्न की सीढ़ी में उनको एक नाम देंगे तो वो उनका अपमान ही होगा। वे राष्ट्रपिता हैं, सबके मैं कहूंगा सबके आदरणीय है, पूज्य है, प्रातः स्मरणीय है, वो अभी भारत रत्न की श्रृंखला से ऊपर है, और मैं समझता हूँ कि उसमें हमको नेताजी सुभाष और वीर सावरकर को भी मान लेना चाहिए कि वे इस सबसे ऊपर है। जितेंद्र तिवारी जी ने एक पते की बात कही, ये भारत रत्न को राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए, इतने बड़े महापुरुष हैं,
अब इनको इस प्रकार की चीजों से बाहर ही निकाल देना चाहिए। लेकिन निशांत वर्मा जी, जब जितेंद्र तिवारी जी अपने तर्क दे रहे थे, कुछ कहने क्या हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, एक बार निशांत जी की बात सुनते हैं और फिर वापस चिंतामणि जी के पास चल के कोशिश करते हैं जो कुछ उनके नेता कह रहे हैं उसके समर्थन में क्या कुछ वो खोज पाए हैं जो हमसे साझा करना चाहेंगे। पर पहले निशांत जी का हस्तक्षेप। कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ बातों से कतई सहमत नहीं हूँ। और जितेंद्र तिवारी जी को मैं ये बता दूं कि साहब, तर्क जो होता है वो तर्क होता है, कुतर्क को तर्क नहीं माना जा सकता। इतने कुतर्क किए अभी मैं गिनाता हूँ आपको। वेद प्रताप वैदिक साहब, मैं आपसे सिर्फ इस बात पे खास तवज्जो चाहूंगा कि 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसमें सावरकर साहब ने अपने हथियार डाल दिए थे और उस समय उनका मानना ये था कि अगर अंग्रेज चले भी जाते हैं देश से तो भी यहाँ पे मिलिट्री रखें, मिलिट्री ना जाने दे, ये उनकी सोच थी। दूसरी बात, आपने कहा कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से देश के दो भाग हुए। वेद प्रताप वैदिक साहब, आप तो बहुत चिंता रखते हैं और बातों को समझते हैं। मैं ये समझना भी चाहूंगा आगे चल करके कि अगर इस देश के दो पार्ट नहीं हुए होते, इंडिया और पाकिस्तान नहीं बना होता, सारा का सारा हाथ तो कांग्रेस के हाथ में ही था, सत्ता जो मिलने वाली थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसके पास पावर थी ये आप जानते हैं। वहां पे उस समय नेहरू और जिन्ना के बीच में बात चल रही थी कि जिन्ना ज्यादा सीनियर थे और वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए, सारा झगड़ा ये निकल के आया। कमाल की बात है कि अगर ये दो भाग नहीं हुए होते तो शायद जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते। मेरे ख्याल से ना आरएसएस, ना जनसंघ, ना भारतीय जनता पार्टी और ना किसी राइट विंग को ये बात दिमाग में सूझती भी है। लेकिन मैं जाऊंगा कुतर्क जो जितेंद्र तिवारी जी ने दिए। तिवारी जी, आपका सम्मान करता हूं कि आप एक आरएसएस के व्यक्ति हैं, आप नेताजी बोस, इंदिरा गांधी और इन सब बातों को और महात्मा गांधी के मर्डर को लेकर के सवाल करते हैं। सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मर्डर हुआ था, आज तक आपने कोई जांच कराई? नहीं कराई। सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलिदान मुखर्जी को लेकर के इतने नारे लगाए जाते हैं, क्या पिछले 7 सालों की सरकार ने, इस सरकार, मोदी सरकार ने जांच कराई? नहीं कराई। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर के आरएसएस इतनी बातें करता है, कांग्रेस तो कटघरे में घेरता है, क्या आपने जांच कराई? नहीं कराई। आप ये बताइए कि पहले नेहरू को लेकर के, आप लद्दाख को लेकर के इतनी चर्चाएं करते थे 2013 तक में, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बॉर्डर पे एलएसी पे जाके दिखाया गया, आज इतना एलएसी के ऊपर प्रॉब्लम है कि आप बात करते हैं, आप नहीं करते हैं। तेल से लेकर के महंगाई तक से आप पहले हल्ला मचाते हैं कि आज आप बात करते हैं, नहीं करते हैं। सावरकर को लेकर के आप इतनी डीने जलाते हैं साहब, आप ये बताइए कि आपने डॉक्टर हेडगेवार को भारत रत्न क्यों नहीं दिया अभी तक? आप बाकी कहानी छोड़ दीजिए, आपके आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, गोलवालकर, क्या ये भारत रत्न के काबिल नहीं है? कई सारे सवाल उठा लिए निशांत वर्मा जी, जितेंद्र तिवारी जी जवाब देना चाहते हैं। पहले जितेंद्र जी की बात सुनते हैं और फिर चिंतामणि जी के पास चलते हैं। जी जितेंद्र जी। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तर्क कुतर्क कुछ नहीं करूंगा, सम्मान आपका भी उतना ही करता हूं जितना आप मेरा कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं राष्ट्र के महापुरुषों के बीच में तेल और पेट्रोल और घी और इसकी महंगाई की चर्चा लाकर इस बहस को नीचे नहीं लाना चाहता, उसके लिए अलग से फिर से चर्चा करेंगे। जहां तक बात आपने पंडित दीनदयाल, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं, इन सब की जांच करा लेने में नेताजी के लिए चार चार आयोग बन चुके, डॉक्टर मुखर्जी में क्या बन चुका, दीनदयाल जी की भी हत्या के लिए कमेटियां बनी, इतने पुराने मैटर छोड़िए, आज में मैं कहूं सुनंदा पुष्कर की हत्या दिल्ली में हो गई, सारी जांच के बाद हम कुछ नहीं निकाल पाए, तो ये जांच 60 साल बाद करके कुछ निकलता नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि ये समय की बर्बादी होती है। सच्चाई ये है कि चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो, चाहे पंडित दीनदयाल जी की हत्या हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध मौत जो जेल में हुई हो, गांधी जी की हत्या हो और नेताजी सुभाष के, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मर्डर थे और जिस तरीके से किए गए, उस समय के सत्ता प्रतिष्ठान उसकी सच्चाई को बाहर आज तक नहीं आने देना चाहते। तो जितेंद्र तिवारी जी, इसी के साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी चर्चा को सावरकर पर ही केंद्रित रखना चाहता हूं और चिंतामणि मालवीय जी से समझना ये चाहता हूं कि कुल मिलाकर विनायक दामोदर सावरकर के संदर्भ में एक किताब जो लिखी गई, उस किताब के शीर्षक पर ही आपत्ति है। उनके संदर्भ में किताब है वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन।
वीर सावरकर वह शख्स जो बंटवारे को रोक सकते थे। इस शीर्षक से कैसे सहमत हुआ जाए? क्या सावरकर उस समय देश में सक्रिय नहीं थे? क्या सावरकर उस दौर में मौजूद नहीं थे? क्या सावरकर अपनी सक्रियता के आधार पर देश को आंदोलित नहीं कर रहे थे? तो फिर यह कहना कि वो रोक सकते थे तो बताना क्या है, उन्होंने अपनी भूमिका ठीक से निभाई नहीं? एक सवाल। दूसरा, जिस शख्स ने मुस्लिम लीग से पहले दो राष्ट्र की कल्पना को आधार दिया 1937 में कह दिया, उसके संदर्भ में आज यह सवाल, ये दूसरा विषय। और तीसरा आपसे जानना चाहता हूं कि गलती आप किस बात को मानते हैं चिंतामणि जी, देश का विभाजन हुआ यह गलत हुआ या धर्म के आधार पर विभाजन होते हुए भी इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, इसको गलती मानते हैं? जितने मुसलमान यहां रह गए वो तो बर्दाश्त होते नहीं आप लोगों से, उसके संदर्भ में आपको इतनी परेशानी महसूस होती है, और भाषणों में मंच पर आप कहना चाहते हैं कि यह देश का विभाजन गलत हुआ, अगर वो सारे होते तो आप बर्दाश्त कैसे करते? ये बात मेरी समझ में नहीं आती, थोड़ा रोशनी देंगे? गलती कहां हुई, विभाजन गलती हुआ या विभाजन के बाद यह देश धर्मनिरपेक्ष रह गया यह गलत हुआ? थोड़ा आज तस्वीर से बता दें कि मानते क्या है आप। देखिए हिमांशु जी, ये जब सावरकर जी और गांधी जी और जब ऐसे किसी मान्य व्यक्ति पर चर्चा होती है तो उसको राजनीति से हट करके हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत विचारोत्तेजक और तर्कयुक्त चर्चा रही है। जहां तक वीर सावरकर का विषय पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि उन्होंने वीर राष्ट्र का समर्थन किया, बिल्कुल गलत है, उनका कोई ऐसा वक्तव्य नहीं है। आप किताब पढ़िए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें आप देखेंगे जो भारत विभाजन, उसमें हिंदू महासभा का पक्ष उन्होंने रखा है, वो किस तरह का भारत चाहते थे और मुसलमान को किस पोजीशन पे इस देश में रहना होगा ये उन्होंने बताया था, उस किताब में आप उसे देख सकते हैं। तो वो कभी उन्होंने नहीं किया। जहां तक मुस्लिम लीग का संबंध है, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई वो प्रजा कृषक पार्टी के फजलुल हक के साथ बनाई, वो कोई मुस्लिम लीग के साथ नहीं बनाई, और मुस्लिम लीग सरकार ना बना पाए इसलिए वो फजलुल हक के साथ मिले। और इसलिए आप जैसा बहुत विद्वान पत्रकार यदि किसी सुनी सुनाई बातों पर जाता है तो फिर मुझे आश्चर्य होता है। ये बात ठीक है कि वो कुछ ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सिंध में उनके मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, लेकिन वो बहुत कुछ भाई वहां अगर वीर सावरकर चाहते थे कि हिंदुत्व का राजनीतिकरण हो और हिंदुओं का सैनिकीकरण हो, और हिंदुओं के सैनिकीकरण को लेकर के ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, कोई कांग्रेस के मेंबर तो थे नहीं, क्यों अपेक्षा करते हैं वर्मा जी के वो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करें? बिल्कुल नहीं करे सर, नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस समय वो चाहते थे, क्योंकि जैसा वेद प्रकाश वेदिक जी ने कहा वो बहुत ही रेशनल व्यक्ति थे, बहुत बुद्धि प्रामाण्यवादी व्यक्ति थे और समय को देखकर के निर्णय लेते थे। बड़ी जी, माफी के साथ में उस सवाल को उत्तर दे दीजिए, गलती क्या हुई, देश का विभाजन गलती था या विभाजन के बाद में ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना ये गलती था, इसका कोई उत्तर आपके पास में है? सावरकर को तो आपने खारिज कर दिया 1937 में उनकी कही हुई बात को, उन्होंने मातृभूमि पितृभूमि और पुण्य भूमि के आधार पर विभाजन किया था, उन्होंने बताया था कि जो मुसलमान है उनकी पुण्य भूमि सऊदी अरब है, मक्का मदीना है, इसलिए भारत उनकी भूमि नहीं हो सकता, स्पष्ट कथन है। हिंदू महासभा उग्र हिंदुत्व के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल रहा, पर उन सब बातों को छोड़ते हुए माननीय चिंतामणि मालवीय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से सवाल है, जो तमाम मंचों पर आप देश के विभाजन को गलत ठहराते हैं, आज इसका उत्तर दीजिए, गलती क्या हुई, देश का विभाजन गलती था या धर्म के आधार पर विभाजन होते हुए भी इस देश का हिंदू राष्ट्र न बनना गलती था, क्या मानते हैं बताइए? देखिए ये पहली बात तो देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था, और यदि विभाजन हुआ तो जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा उसमें तबादलाए आबादी होना चाहिए थी, और फिर वो क्षेत्र सिंध पूरा का पूरा आपने दे दिया, सिंध के भी चार जिले मिलने चाहिए थे, पांच जिले मिलने चाहिए थे, पंजाब का और हिस्सा मिलना चाहिए था, कुल करके बलूचिस्तान नहीं मिलना चाहता था, उसे क्यों मिलाया? तो कुल करके यदि पार्टीशन हुआ तो फिर चिंतामणि जी उलझ गए, हद हो गई कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है उसके संदर्भ में किसी संघ विचारक का उल्लेख नहीं है, उसके संदर्भ जनसंघ के किसी नेता का उल्लेख नहीं है, उसके अंदर का उल्लेख कर रहे हैं चिंतामणि मालवीय जी इस कार्यक्रम में, तो बी आर अंबेडकर का उल्लेख कर रहे हैं, जिस बी आर अंबेडकर के साथ में जनसंघ संघ का कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन बहरहाल हमारे पास समय खत्म हो रहा है निशान जी, मैं माफी के साथ में, अच्छा आपका 30 सेकंड का समय जी। पहली बात तो 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्योंकि मिनिस्टर थे अंग्रेजों के जमाने में, इसलिए सावरकर साहब को हथियार डालने पड़े। दूसरी बात,
अगर विभाजन नहीं हुआ होता और कांग्रेस जिन्ना को बना देती प्रधानमंत्री, चिंतामणि मालवीय जी भाजपा, क्या आपको मंजूर होता? सवाल है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो हम कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। हालांकि मैं वेद प्रताप वैदिक जी से थोड़ा और संवाद करना चाहता, लेकिन समय की सीमितता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति के इस दौर में नए सिरे से इतिहास लिखने की कोशिश हो, इसमें बुराई नहीं, लेकिन वो अपनी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए हो, ना कि सत्य के आलोक में, ये ठीक नहीं। बेहतर होगा कि सत्य के प्रति आग्रह, चाहे दल कोई भी रहे, सरकार कोई भी रहे, उसके प्रति बने रहना चाहिए। अगर इस प्रकार से सत्य को खारिज करके केवल अपने राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर महापुरुषों का मूल्यांकन किया जाएगा, तो ये आने वाली पीढ़ियों के साथ में गुनाह होगा। क्या इस देश में सत्ता में बैठे हुए लोग इस ईमानदारी और सच्चाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? ये सवाल है। एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर वर्तमान में जो दौर चल रहा उसी को लेकर अकबर इलाहाबाद जी का दिया हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि कौन हमदर्द किसका है जहां में अकबर, कौन हमदर्द किसका है जहां में अकबर, एक उभरता है यहां एक के मिट जाने से। अकबर इलाहाबाद जी ने जो ये कहा था, ये जिस प्रकार की प्रतिद्वंदिता का दौर है उसको लेकर कहा था। लेकिन क्या हमारे पास दूसरे को बर्दाश्त करने की कोई ताकत बची ही नहीं है? क्या सावरकर और गांधी एक साथ इस देश में पूज्य नहीं हो सकते? ये विचार का विषय होना चाहिए। क्या दो देशभक्त, क्या दो राष्ट्रभक्त, दो इंसानियत को समर्पित व्यक्तित्व महज इसलिए प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े कर दिए जाए क्योंकि राजनीतिक नफा नुकसान इसी के आधार पर तय हो सकता है? क्या इसी के लिए आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगे? ये वर्तमान सत्ताधीशों को सोचना चाहिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।